हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ फॉर ऐसी मस्ट हैव यूजफुल एप्लीकेशन जो कि आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाली है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, फर्स्ट एप्लीकेशन का नेम है क्रोमा की। गाइस, ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप वन क्लिक में कोई भी अपनी फोटो का बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों, आप अपनी फोटो को यहाँ पर इंपोर्ट करवा लीजिए और मेक श्योर गाइस उसका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होना चाहिए, यानी कि आप अपनी कोई भी पिक्चर्स को क्लिक करेंगे वो हरे पर्दे के सामने होनी चाहिए। यहाँ हरा कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आपको वन क्लिक करना है, यानी कि कोई भी अपना बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है और उसकी मदद से आप आसानी से अपना बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और अपने कोई भी पिक्चर्स लगा सकते हैं, यानी कि आप अपनी गैलरी में से भी कोई पिक्चर्स को लगा सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया टूल है। मैं बार बार अपनी फोटो को कट नहीं करना पड़ता और सिंपली आप वन क्लिक में कोई भी अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया और यूजफुल एप्लीकेशन है। ओके गाइस, सो नेक्स्ट एप्लीकेशन है, उसका नाम है क्विक स्वाइप। तो गाइस, ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। इसकी मदद से आप क्विकली अपने एप्लीकेशन का एक्सेस ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपको ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी है, या आपको यहाँ पर पूरा जो फुल कंट्रोल है आपको यहाँ पर मिल जाता है। इससे आप अपनी वॉल्यूम को कम डाउन कर सकते हैं और अपना वाईफाई या इंटरनेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं और आप यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, यहाँ पर मैंने व्हाट्सएप को यूज़ किया था, वो रीसेट में चला गया और यहाँ पर एक रेड एरो भी आ गया है जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि ये मैसेज आया हुआ है। तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप कैमरा यूज़ कर सकते हैं, फ्लैशलाइट, वाईफाई, इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से, और जो कि आपको करना है सिर्फ आपको क्विक स्वाइप करना है, इसे इनेबल कर लीजिए। तो ये काफ़ी बढ़िया और यूजफुल एप्लीकेशन है, तो मुझे उम्मीद आप इसे ट्राई करेंगे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी लिस्ट में AI टाइप कीबोर्ड। गाइस, ये काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है। दोस्तों, ये एक नॉर्मल कीबोर्ड नहीं है, सिंपली आप इसमें काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी आपको इसमें मिल जाती है प्रीलोडेड। इसमें आप कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप सिंपली अगर किसी को हिसाब देना चाहते हैं व्हाट्सएप पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैलकुलेटर का भी यूज़ कर सकते हैं क्विकली, या फिर आपको यहाँ पर जो इमोजी मिलेगी वो काफ़ी डिफरेंट होगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं जो नॉर्मल कीबोर्ड में होती है उससे थोड़ी सी डिफरेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आप और भी फंक्शनैलिटी देख सकते हैं। आपको यहाँ पर गिफ की फंक्शनैलिटी मिल जाती है, इमोजी आर्ट्स की फंक्शनैलिटी मिल जाती है। और गाइस, आप अगर इसे लॉन्ग प्रेस करेंगे, यानी कि सी पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा कट, कॉपी, पेस्ट। आपको यहाँ पर काफ़ी सारी और भी फंक्शनैलिटी मिल जाती है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और सिंपली दोस्तों, आपको यहाँ पर काफ़ी सारे करेक्टर्स मिल जाते हैं। अगर इस पर लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ये अलग अलग स्टाइल की जो कॉपी पेस्ट वगैरह जो भी आपको फंक्शनैलिटी वगैरह शो करेगा, यहाँ से आप जो भी रिसेंटली यूज़ करते हैं वो आपको शो करेगा। जैसा कि अगर आप यहाँ पर नंबर वगैरह डालना चाहते हैं वो भी यहाँ पर शो करेगा, या फिर आपने रिसेंटली कोई भी इमोजी को यूज़ किया है वो यहाँ पर शो करेगा। और गाइस, ये एप्लीकेशन के हिसाब से अपना कलर भी चेंज कर लेता है और आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं या थीम डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये काफ़ी बढ़िया और यूजफुल टूल है हमारे लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन का नेम है डायरेक्ट चैट। गाइस, ये बहुत ही यूजफुल एप्लीकेशन है। सिंपली दोस्तों, इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का दिखाई देगा। आप यहाँ पर इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। और दोस्तों, इसका जो मतलब है जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, सिंपली आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन को ऐड कर लीजिए, जो भी मैसेजिंग एप्लीकेशन होगी, और जो भी आपको मैसेज आएगा वो एक बबल के थ्रू आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल एक फेसबुक मैसेंजर की तरह आप यहाँ पर कोई भी मैसेजिंग ऐप ऐड कर सकते हैं और उसे कहीं भी रिप्लाई कर सकते हैं। और गाइस, आप कोई भी इसमें एप्लीकेशन ऐड कर सकते हैं, वो चाहे हैंगआउट हो, व्हाट्सएप हो, या फेसबुक हो, या इंस्टाग्राम या ट्विटर। तो उसकी मदद से आप डायरेक्टली उसे रिप्लाई कर सकते हैं और आपको ये एक बबल के थ्रू मैसेज आ जाएगा। तो ये काफ़ी यूजफुल एप्लीकेशन है। ओके गाइस, सभी एप्लीकेशन के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से फॉलो करके आप इसे बड़ी आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है, यानी कि मोस्ट यूजफुल एप्लीकेशन की सीरीज़ पसंद आती है, तो ज़रूर से इसे लाइक कीजिए। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे तो मैं इसका पार्ट 2 भी बना दूंगा। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे शेयर करना ना भूलिए। और मैं मिलता हूँ अगली और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, फिर मिलते हैं, बाय बाय।